भगवान, तुम तो अपने बीमार दोस्त की आयादत के लिए गए थे ना। अच्छा, तो ये है वो बीमार दोस्त हैं? क्या हो गया तुम्हें? बाजी आप बैठे, तुम चुप करो, मैं बात करूँ ना कुर्बान से, ये देगा जवाब। हाँ बोलो, क्या तमाशा है ये, क्या चक्कर है? हाँ, आयादत के लिए जा रहा था लेकिन पैसों की जरूरत थी, भाई साहब के पास आया था पैसे उधार लेने के लिए। अच्छा, तो मिल गए उधार? हाँ मिल गए उधार, ये देखो, ये रहे 5,000 रुपए पूरे। जी उल्टी दिमाग की वारो तो तुम। मैं इसे तलाक के लिए राजी कर रहा था। हैं? तलाक के लिए? हाँ, मुझे इसका पुराना आशिक है ना फरहाद, वो मिल गया है। सच्ची? अरे आहिस्ता बोलो, सच्ची? ऐसे चीख रही हो, ये भांडा फोड़ दोगी सारा का सारा। हाँ हाँ चल, मैं चलता हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ मैं रात का खाना तुम्हारे लिए यहीं से पकवा लूंगी, ठीक है? तुम्हारी मर्जी, कुछ भी करो। जी क्या कह रही हूँ, चलो बैठो, जाओ बैठो, तो शाम संभालो इसको। आ जाओ चलिए। निम्रा, निम्रा कहाँ गई भाई? हेलो नेदा, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम हो। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा कि मेरी तुमसे बात हो रही। शादी की बात तो तुम हम सबको भूल ही गई हो, हम सब तुमसे सख्त नाराज हैं। मैं भूल गई? मैं कैसे भूल सकती हूँ तुम लोगों को? हम सब ने एक साथ इतना अच्छा वक्त गुजारा है और मुझे लगता है वो मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन थे। हाँ ये तो है। अच्छा ये बताओ, दूल्हा भाई कैसे हैं? और तुम खुश तो हो ना? वो ठीक है और मैं भी खुश हूँ। अच्छा ये बताओ, मेरे घर कब आ रही हो? मैं तुम दोनों को खाने पे इनवाइट करना चाहती हूँ और बाकी सारी दोस्तों को भी बुला लूंगी, बहुत मजा आएगा। मैं भी तुम सबसे मिलना चाहती हूँ। तो फिर कब आ रही हो? अदनान से पूछकर बताऊंगी, मैं तुम्हें खुद कॉल करूंगी, ठीक है? चलो ठीक है, मुझे इंतजार रहेगा तुम्हारी कॉल का। ओके खुदाफिस, अपना ख्याल रखना। कहाँ गई अक्सर? बेटा तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, दवाई खत्म हो गई थी तो लेने गई है। मैं, आप मुझे कह देती मैं ले आता। खैर कितनी देर हो गई? काफी देर हो गई, अब तक तो आ जाना चाहिए था। मैं कॉल करके चेक करता हूँ। फोन अपना यहीं छोड़ गई, मैं जरा देख कर आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कहाँ गई थी? फूफो की मेडिसिन लेने। मुझे फोन कर देती मैं ले आता, खुद ही चलेगी लेने। और ये सेल किस लिए ला कर दिया, इसे क्यों नहीं लेके गई? अदनान बेटा क्या हो गया है? कुछ नहीं मम्मी, आप दवाई लीजिए, मैं पानी लेकर आता हूँ। कसूर क्या है मेरा, कहाँ गलती हुई मुझसे? यहाँ क्यों खड़ी हो? मैं कब से तुम्हारे कमरे में इंतजार कर रहा हूँ, कोई बात है क्या? बोलो। हाँ है बात, अपनी बहन को समझा लीजिए कि आइंदा मुझसे कोई भी उल्टी सीधी बात करने की जरूरत नहीं है। अरे बड़ी है तुमसे, कभी कोई बात कह देती है तो तुम बुरा मत माना करो। क्यों कह देती है, किसने उनको हक दिया? अगर मैं किरदार की इतनी बुरी थी ना तो किसने कहा था कि मुझसे शादी कर ले? मैं आइंदा किसी को भी हक नहीं दूंगी कि मेरे किरदार में कोई भी किस्म के कीड़े निकाले। किरदार में कीड़े निकाले? खुलकर बात करो निम्रा। हसवा बाजी को अच्छा नहीं लगता कि कुर्बान भाई यहाँ पर आए, उनको लगता है कि मैं शब्बीर, मुझे उनकी बातों से बहुत तकलीफ हुई है। तुम जैसी भी हो, जिस किरदार की भी हो, ये मेरा मसला है। आसमा को तुमसे ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं देख लूंगा, आओ आ जाओ।
अदनान, वो आपको बताना था, आज मेरे एक दोस्त का फोन आया था। हम दोनों को खाने पर इनवाइट करी थी। जब से शादी हुई है किसी भी दोस्त से कोई रابطہ ही नहीं, सोचा आपको बता दूं। कॉलेज फेलो हो गई? जी। अक्सर ये जो स्कूल और कॉलेज की दोस्तियां होती हैं ना, अगर वहीं तक रह जाएं तो बेहतर होता है। और वैसे भी मुझे ये लड़कियों का इतने सोशलाइजिंग और दोस्तियां पसंद नहीं। मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, हम स्कूल में भी एक साथ थे। माजरत कर लो। लेकिन अदनान, मैंने कहा ना मना कर दो। आपको मेरी हर बात पर एतराज है, मेरी किसी भी खुशी से आपको कोई मतलब ही नहीं, और होगा भी क्यों? मैं मजबूरी हूँ ना, आपकी खुशी नहीं। अक्सा, मेरे जरा से मना करने के ऊपर तुम मुझसे बहस करना शुरू हो गई। लगता हमने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। मिस अक्स, जिनकी तारीफें करते अम्मी थकती ही नहीं। शबीर भाई, अल्लाह की कसम, मैंने निमराज से कुछ नहीं कहा, बस चाय देर से लाने पर हल्का सा डांट दिया था। मुझे क्या पता था वो इतनी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना लेगी। ऐसा कैसे हो सकता है, निमरा गलत बयानी नहीं कर सकती, कोई ना कोई बात हुई जरूर है। क्या शबीर भाई, यानी कि आपको अपनी सगी बहन गलत और वो कल की आई हुई लड़की ठीक लग रही है? फूट गई मेरी किस्मत, वो मक्कार औरत हमारे घर आ गई जिसने भाई को बहन से दूर कर दिया। शबीर भाई का एतबार मेरे ऊपर से उठ गया है। माँ आसमा, कुछ नहीं हुआ है, भाई साहब हमसे नाराज नहीं है। तुम जाओ भाई साहब के लिए चाय लेकर आओ। नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगा। अरे भाई साहब, क्या हो गया, कैसी बातें कर रहे हैं, आपके सिवा हमारा है ही कौन। जाओ अच्छी से चाय बना के लाओ भाई साहब के लिए। देखिए भाई साहब, निमरा भाभी बिल्कुल ठीक कह रही, आसमा निमरा भाभी के किरदार पर शक करती है, बल्कि ये तो उनका फोन भी चेक करती है। क्यों, इसे क्या तकलीफ है, इसे समझाओ कुर्बान, ये ठीक नहीं है। कैसे समझाओ भाई साहब, कुछ कहता हूं ना तो मुझ पर बिगड़ती है। कहती है कि अगर मैंने भाई साहब को ढील दी, निमरा हर चीज पर कब्जा कर लेगी। समझती है कि आपकी जायदाद पर उसका भी हक है। ये चाहती है कि आप अपनी जायदाद में से कुछ ना कुछ इसके नाम भी कर दें। अब देखें भाई साहब, मैं गैर आदमी हूं, लेकिन मेरी सोच इतनी घटिया नहीं है, इसलिए मैंने आपको सब कुछ बता दिया। कहाँ जा रहे हैं भाई साहब, चाय तो पी लें। अब तो बिल्कुल नहीं पीऊंगा। अरे भाई साहब, मेरी बात तो सुन लेते भाई साहब। अब किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, कहानी में नया मोड़ आने वाला है। कुर्बान अली, तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। आज मैं भी तो देखूं, इन तस्वीरों को देखकर अदनान के चेहरे पर कैसी रोशनी फूटती है। बहुत एतराज है ना उन्हें मुझ पे, खामोश रहती हूँ, मूड अच्छा नहीं रहता मेरा। आज बता दूंगी कि इसकी वजह क्या है।
बेल्ट क्यों नहीं रखी? अक्सा, तस्वीरें यहाँ कैसे? मेरा ख्याल है तस्वीरें हमेशा से यही थी, शायद कभी रखी होंगी। तुम रख लो ये तस्वीरें, शायद तुम्हें चाहिए हो, आखिर तुम्हारी बहन की तस्वीरें। और आपको? मैं इनका क्या करूंगा, आई डोंट इवन नो कि यहाँ पर आई कैसे। मुझे ये तस्वीरें नहीं चाहिए। आपने सब तस्वीरें फाड़ दी? हाँ, क्योंकि इस वजूद का मेरी जिंदगी में अब कोई काम नहीं, मैं इसे मुकम्मल तौर पे भुला चुका हूँ, ये मेरी जिंदगी के किसी कोशे में नहीं है। आप सच कह रहे हैं? तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं? पता नहीं, मेरा मतलब है मुझे आपकी बात पर पूरा यकीन है। आप चेंज करने में आपके लिए नाश्ता लगाती हूँ। जवानी में मैं बड़ा मुंहज़ोर हुआ करता था, अल्लाह ने सेहत भी अच्छी दी थी मुझे और पैसा भी था, तो सारी दुनिया मुझे अपने पाँव की धूल लगा करती थी, जिंदगी में आने वाली किसी औरत को अहमियत नहीं दी। तुम खुशकिस्मत हो कि उस वक्त मेरी जिंदगी में आई हो जब जवानी का जोर टूट चुका है और दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया है। अब मेरी समझ में आया कि बीवी को शरीक हयात क्यों कहते हैं, दुख सुख की साथी होती है, बिल्कुल साये की तरह। नहीं, साया तो साथ छोड़ जाता है मगर बीवी साथ नहीं छोड़ती। पहले मुझे तुम पर यकीन नहीं था, लेकिन अब मेरा दिल कहता है कि तुम मुझसे बहुत मुखलिस हो और कभी धोखा नहीं दोगी मुझे। क्या बातें लेकर बैठ गए आधी रात को? आपकी तबीयत खराब थी, ख्याल रखना मेरा फर्ज था। ये जो मेरा दिल है ना, ये कहता कि अब यहीं पर ठहर जाओ, मेरे दिल ने तुमसे दिल लगा लिया है। वो कहता है कि अब इसको छोड़ने के बारे में सोचना भी नहीं। मेरी कुछ जायदाद है जिस पर रिश्तेदारों की नजर है, मैं अगर साहिब औलाद होता तो कोई मसला नहीं था, लेकिन अब रिश्तेदारों की नजरें हैं तो मैंने सोचा है कि अपनी जिंदगी में ही सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूं। क्या कह रहे हैं आप? मुझे ना पैसे में इंटरेस्ट है ना जायदाद में, कोई जरूरत भी नहीं है। यही तो तुम्हारे सच्चे और खड़े होने की निशानी है। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इधर देखो, हम पर लिखा। आप यहाँ अभी जाइए, यहाँ से खाना तैयार नहीं है। मैं यहाँ खाने के चक्कर में नहीं आया,
खाना बनाने वाले के चक्कर में आया। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। अगर मुझे बातें बनाना आती तो क्या तुम इतने दिनों तक नाराज रहती? ऐसी कोई बात नहीं है। इधर देखो, क्या तुम वाकई में सच कह रही हो? आप प्लीज जाइए यहाँ से। अगर फूफो ने आपको यहाँ देख लिया ना तो समझेंगे उनके बेटे से खाना बनवा रही हूँ। इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहा करो, अच्छी लगती। आपको पता होना चाहिए कि मेरी हर खुशी आपकी वजह से ही है। मेरी खुशी तो। अब प्लीज जाइए यहाँ से, मेरे कबाब जल जाएंगे। जाइए। कराची जाते हुए खुश तो बहुत लग रहे हैं आप। जबरदस्ती जा रहा हूँ और तुम बातें सुना रही हो। ठीक है, नहीं जाता। अच्छा अच्छा, मजाक कर रही थी, बल्कि चलें, देर हो रही है। चला जाऊंगा, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं। कुछ नहीं। कुछ भी नहीं? खुद आ जाएगा बस। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे शक हो मुझ पर, और वैसे भी मैंने कहाँ जाना, यहीं वापस आना है ना, यहाँ से भागने का प्लान थोड़ी कर रहा हूँ। फरहाद बेटा तैयारी हो गई जाने की? जी अम्मी, बस जा रहा हूँ। चलो खैर से जाओ, खैर से आओ। सीमा बेटा जरा इसको देखो, मुझे लग रहा है बुखार हो रहा है इसे। ये तो वाकई बहुत गर्म हो रही है, अभी तो बिल्कुल ठीक थी। सीमा जल्दी करो, हम इसे अभी डॉक्टर के पास ले जाते हैं। लेकिन आपको कराची? अरे भाड़ में क्या कराची, मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम हमारी बेटी है। मैं बाहर कैब करता हूँ, तुम जल्दी आओ। जो मेरा दिल है ना, ये कहता है कि अब यहीं पर ठहर जाओ, मेरे दिल ने तुमसे दिल लगा लिया है। वो कहता है कि अब इसको छोड़ने के बारे में सोचना भी नहीं। कौन कह सकता था कि शब्बीर को मुझसे मोहब्बत हो जाएगी? मेरी कम उम्री, मेरी खूबसूरती की लालच में मुझसे शादी करने वाला ये हर गलती भूलकर मुझसे मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगा। अगर मेरा दिल तो किसी और के नाम पर धड़कता है। मैं शब्बीर से मोहब्बत नहीं करती, मगर उसे धोखा भी नहीं देना चाहती। मैं नहीं चाहती कि वो ये मकान और जायदाद मेरे नाम कर दे। आज नहीं तो कल मुझे उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चले जाना है। ये तो तय है शब्बीर साहब कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। निम्रा, जी ये लो। ये सेफ में रख दूं? जहां चाहे रखो, ये तुम्हारे लिए हैं। मेरे लिए इतने सारे पैसे? भाई बाजार गया था, जी चाह रहा था तुम्हारे लिए शॉपिंग करूं, फिर मैंने सोचा कि पता नहीं मेरी खरीदी हुई चीजें तुम्हें पसंद आए कि नहीं, इसलिए तुम्हें दे रहा हूँ। ये पैसे रखो और अपनी पसंद से शॉपिंग कर लेना। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, जो है काफी है। औरतें तो शॉपिंग का बहुत शौक रखती हैं, नए कपड़े और नए जेवर लेते नहीं थकती, और तुम्हें तुम्हारा शौहर कह रहा है तुम फिर भी नहीं मान रही। अजीब औरत हो तुम। ये सब जिंदा लोगों की बातें, जज्बों और एहसास की बातें। मैं एक जिंदा लाश हूँ, नए कपड़ों का क्या करूँगी? किन सोचों में पड़ गई? अच्छा ऐसा करो, तैयार हो जाओ, मैं खुद तुम्हें लेके चलता हूँ। अब इनकार नहीं करना। अक्सर तुम्हें शॉपिंग मॉल में ड्रॉप करके ना मुझे एक दोस्त की तरफ जाना, एक जरूरी काम है। तुम जब फ्री हो जाओ तो मुझे कॉल कर लेना, मैं तुम्हें पिक कर लूँ।
आप ज्यादा वक्त मत लगाइएगा, मुझे ज्यादा शॉपिंग करनी तो है नहीं। हाँ ठीक है, मैं नीचे गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, तुम तैयार हो गया जाओ। बस अभी आई। कुछ तो लो, तुम कुछ भी नहीं ले रही हो, यहाँ हमारे आने का फायदा क्या होगा फिर? मैंने आपसे कहा था ना मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर वही बात, भाई ऐसा तो नहीं होता ना। अच्छा ऐसा करो, तुम यहाँ घूमो फिरो, तुम्हारा जो दिल चाहे वो खरीद लेना। मैं एक काम निपटा के आता हूँ, बहुत दिन से रुका हुआ है, तुम मुझे फोन कर देना, मैं गेट से ले लूंगा तुम्हें, ठीक है? बात करें। कुछ बोलो कि नहीं? कैसी हो? ठीक हूँ मैं। अदनान तुम्हें खुश रखता है? कहीं मेरा गुस्सा तो तुम पर नहीं निकालता? ऐसा नहीं है, अदनान अच्छे हैं, ख्याल रखते हैं मेरा। तुम कैसी हो? पता नहीं, शायद बहुत अरसे बाद मुझे खुशी मिली है तुमसे मिलकर। अक्सर क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है? हम कभी कभी बात कर लिया करेंगे। हाँ क्यों नहीं, लेकिन कोशिश करना कि मुझे सिर्फ दिन में कॉल करो। पता नहीं अदनान इस बात को पसंद करेंगे या नहीं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम सिर्फ तब बात करें जब वो ऑफिस में हो। तुम फिक्र नहीं करो, बस कभी कभी बात कर लेंगे। मेरा अदनान का फोन आ रहा है, मुझे अब जाना होगा। अच्छा लेकिन अपना नंबर मुझे दे दो प्लीज। अक्सा क्या बात, तुम यहाँ पर आकर खड़ी होगी, मम्मी को शॉपिंग भी नहीं दिखाई? बस भूल गई, अभी दिखा देती हूँ। अच्छा। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो। नहीं कुछ नहीं। सब खैरियत तो है? जी सब खैरियत है। तो बोलो क्या बात? आप पता नहीं मेरी इस बात को किस तरह से लेंगे। देखो अक्सा, अगर बात शुरू की है और मुझ पर ट्रस्ट करती है तो बात को मुकम्मल करो। मुझे लगता है निम्रा को मेरी जरूरत है, बहुत परेशान है, अपने किए की सजा काट रही है। ये बात तो मैं कैसे करूं? तुम उससे रابطे में? नहीं नहीं, बस रात में अचानक उसका ख्याल आया था। अब आप ही सोचे ना, शब्बीर भाई जैसे इंसान के साथ जिंदगी गुजारना आसान तो नहीं है। निम्रा अपनी ऐसी जिंदगी की जिम्मेदार खुद है और तुम्हें उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। और आज के बाद मैं तुम्हारे मुंह से उसका नाम ना सुनूं। निम्रा के जिक्र पर इतना गुस्सा, अगर उन्हें ये पता चल गया
कि मैं उससे मिली थी, पता नहीं क्या करेंगे। अगर निम्रा मेरी बहन है, अपने दुख मुझसे नहीं बांटेगी तो किससे कहेगी? मैं उसे मायूस नहीं करूँगी। हेलो निम्रा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। गलत टाइम पे तो कॉल नहीं की? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम ठीक हो ना? अच्छा, जब से तुमसे मिलकर आई हूँ बस पास्ट के बारे में सोची जा रही हूँ। पहले भी तो मुझे बहुत याद आती थी, लेकिन अब ज्यादा याद आ रही हूँ। मेरा भी यही हाल है। मैं बहुत उदास हूँ तुम्हारे लिए। कितनी लाडली थी तुम हम सबकी। पता नहीं सब कुछ तुम्हारे साथ क्यों। इतनी बुरी किस्मत लिखवा कर आई हो तुम। शायद मेरे नसीब में आजमाइश लिखी हुई थी, लेकिन वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता। मुझे यकीन है कि मेरी तकदीर बदल जाएगी, फिर सारे ख्वाब सच्चे हो जाएंगे। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। अब तुम्हारे ख्वाब कैसे सच हो सकते हैं? अगर मोहब्बत सच्ची हो ना तो दरियाओं का भी रुख बदल जाता है। तुम क्या कहना चाह रही हो, खुलकर बोलो, मुझे समझ नहीं आ रहा। अक्सा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। क्या बात? किसी कॉल? तो उसकी थी। हमारे मना करने पर गिला कर रही होगी ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने समझा दिया था उसे। चाय बनाओ आपके लिए। चाय की तो मुझे लग रहा है कि तुम्हें ज्यादा जरूरत है। आर यू ओके? जी, मैं ठीक हूँ। अच्छा, वो मैं इसलिए आया था कि अम्मी की दवा कहाँ है? मैं ला देती हूँ। कहाँ की तैयारी है कुर्बान? अरे मैंने कहाँ जाना है? तुम्हारी तैयारी और मूड को देखकर साफ पता चल रहा है कि तुम कहीं जा रहे हो, क्योंकि इंसान तैयार होके घर में तो बैठने से रहा। आदमी तैयार होके घर में भी बैठ सकता है। मुझे बेवकूफ मत बनाओ कुर्बान, सब पता चल रहा है मुझे, सब नजर आ रही है। जो तुम्हारे रंग ढंग बदल रहे ना, सब देख रही हूँ। क्या कहना क्या चाह रही? खुलकर बात करो। मैं खुल के बात करूं? अगर मेरा मुंह खुल गया ना तो समझो तुम बस गए। मेरी बात सुनो, मैंने जो कुछ किया ना तुम्हारी इजाजत और तुम्हारे फायदे के लिए किया है। तुम्हारे भाई साहब की जायदाद तुम्हें मिलेगी, मुझे कोई फायदा नहीं होगा उससे। और तैयारी की बात जो तुम कर रही हो ना, मेरा मूड अच्छा था, मैंने कहा तुम्हारे साथ बैठकर गपशप करूंगा, चाय पीऊंगा, टीवी देखूंगा। सारा मूड खराब कर दिया तुमने मेरा। ये जो झूठ बोलते हो ना तुम, इससे मुझे शक होता है। क्या क्या झूठ बोला मैंने? बताओ मुझे क्या झूठ बोला है, बताओ। तुम अच्छी तरह समझते हो कि तुमने क्या झूठ बोला है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। बहुत होशियार हूँ मैं। अरे मैं तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लूं। मैं एक बार फिर कोई बेवकूफी करने चली। क्या फरहाद की मुलाकात निम्रा से हो चुकी है? वो दोनों मिलते हैं एक दूसरे से? अगर वाकई ऐसा है तो फिर क्या होगा? अक्सा जी, तुम अभी तक जाग रही? नींद नहीं आ रही थी। ऐसे बैठी रहोगी तो सुबह हो जाएगी। काम करो, टीवी बंद करो और सोने की कोशिश करो। जी, आप सो जाए, मैं भी सोती हूँ। सो रहा हूँ।
से बात करनी चाहिए, समझाना चाहिए उसे। अगर उसे समझाने के लिए मुझे निम्रा के घर भी जाना पड़ा तो मैं चली जाऊंगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि निम्रा कोई बड़ी मुसीबत में घिरने वाली है। कैप की चाय। जीती रहो, सुखी रहो, फलो फूलो। नाश्ते में क्या लेंगे? तुम अपना और अदनान का नाश्ता बना लो, मेरी फिक्र बाद में करना। मैं तो बेटा एक स्लाइस ले लूंगी, वो लेट हो गया तो वो खफा होगा। जी ठीक है। अदनान ऑफिस चले जाए तो करती हूँ निम्रा से बात, पता नहीं क्या करने चली है। अक्सा, अक्सा। जी। कब से आवाजें दे रहा हूँ, बात क्यों नहीं सुन रही? नाश्ता बना रही थी। वो मेरी ब्लू शर्ट कहाँ है? मैं देखती हूँ। अरे ध्यान से। एक काम करो, यहाँ तो पहले ये नाश्ता बना लो या मेरे साथ ऊपर आ जाओ। आप चले, मैं ये बना कर आती हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाओ। निम्रा, तुम्हारी फिक्र ने पागल कर दिया मुझे। हेलो अक्सा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। तुम्हें पता है, तुम्हारी उस दिन की बातों ने मुझे बहुत परेशान कर दिया। मुझे लग रहा है तुम फिर से कोई बेवकूफी करने जा रही हो। अक्सा, तुम आज भी इतनी छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाती हो? जिंदगी बहुत मुश्किल है, खुद को स्ट्रांग करो। तुम मुझे खुलकर बताओ, तुम उस दिन क्या कहना चाह रही थी? अभी नहीं बता सकती, बात बहुत लंबी है। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ। तो फिर हम कहीं मिल लेते हैं। ठीक है, लेकिन कहाँ? एक काम करो, शब्बीर घर पे नहीं है, तुम यहाँ पर आ जाओ। निम्रा, तुम जानती हो ऐसा मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? उनको बुरा थोड़ी लगेगा। हाँ, लेकिन अदनान को मेरे वहाँ जाने पर बहुत एतराज होगा। उन्हें एतराज के अलावा आता क्या है? तभी तो मैंने उनको रिजेक्ट किया था। निम्रा प्लीज। वो मेरे शौहर है, बहुत इज्जत करती हूँ मैं उनकी। सॉरी अक्सा, मेरा मतलब वो नहीं था। कोई बात नहीं, तुम ये बताओ हम मिल कहाँ सकते हैं? फिर तो रेस्टोरेंट ही सही है। हाँ ठीक है, वहीं मिल लेंगे। कब मिलोगी? बहुत जल्द, क्योंकि मुझे तुम्हारी बातों का मतलब जानना है। अच्छा, जब घर से निकलो तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, प्लीज अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह रहम करे, तुमने तो बेटा परेशान कर दिया मुझे। छोटे बच्चे का साथ है, किस तरह संभालोगी ये सब? अरे पप्पो, अल्लाह मालिक है। डॉक्टर ने तो मुझे मुकम्मल बेड रेस्ट बताया, लेकिन आप तो जानती है ना, इतने काम होते हैं, कैसे मुमकिन नहीं है। मैं ऐसा करती हूँ कि अक्सा को तुम्हारे पास भेज देती हूँ, सहूलत हो जाएगी तुम्हें। है अक्सा मान जाएगी? क्यों नहीं मानेगी, उसे तो वैसे भी सबका एहसास रहता है। तुम्हारी तकलीफ का सुनेगी तो फौरन जाने को तैयार हो जाएगी। वैसे पप्पू, आप जैसी सास भी कहाँ होंगी जो बहू की तारीफ करने का कोई मौका भी हाथ से जाने नहीं देती। मेरी बहू है ही बहुत अच्छी, मेरा बहुत ख्याल रखती है। अच्छा बेटा, अब तुम आराम करो। ये पैर की मोच अगर बिगड़ जाती है तो फिर बहुत तकलीफ देती है, इसलिए एहतियात बेहतर है। मैं करती हूँ अक्सा से बात। चलें ठीक है पप्पू, आपका बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अक्सा, अक्सा।
जी बब्बू। बेटा वो अकीला का फोन आया था, सीढ़ियों से गिर गई है, पैर स्लिप हो गया, मोच आ गई उसके, बहुत तकलीफ है उसे। ये तो बहुत बुरा हुआ बब्बू। हाँ बेटा वो छोटे बच्चे का साथ है, बिस्तर से उतरना मुश्किल है। मैंने उसे कहा मैं अक्सा को भेज देती हूँ कुछ दिनों के लिए, तुम तैयारी कर लो। वो तो ठीक है पुप्पो, लेकिन अदनान की इजाजत के बगैर, मेरा मतलब है पता नहीं वो जाने देते हैं या नहीं। नहीं नहीं, अदनान से पूछ के जाना, बल्कि उसके साथ जाना, मेरा ख्याल है मना नहीं करेगा वो, तुम तैयारी कर लो जाने की। जी ठीक है, और ऐसा करती हूँ 2-3 डिशेज बनाकर आपके लिए फ्रीज कर देती हूँ, बाद में मसला नहीं होगा। नहीं नहीं बेटा मैं कर लूंगी। अच्छा मैं नमाज पढ़ लूं, वक्त निकला जा रहा है मेरा। भाभी के घर से निमरा से मिलने जाना आसान होगा, वहां जाकर निमरा से राब्ता करूंगी।